एक्चुअली मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड थी इस सीन को लेकर. मुझे लगा आई विल गेट टू एक्चुअली मिल्क द काउ, बट वो हुआ नहीं. बिकॉज जैसे ही मैं जा रही थी वो सीन में, तो वो एक अपना पैर ऐसी कक्की कर रही थी, तो मैं इतना डर गई. सो आई वाज लाइक जाने दो, लेट मी जस्ट डू दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस. तो हमने थोड़ा सा चीट करके ये सीन करने की कोशिश की. ये उन्हें ये बताने की कोशिश थी कि जो मूडी में इन्वेस्टमेंट हमने सब ने की है, वो एक बहुत ही अच्छी आइडिया है, क्योंकि मूडी ने बहुत सारा दूध दिया है, जिसके वजह से हम घर में सारी मिठाई या लस्सी पनीर वगैरह वगैरह चीज़ें बना सकें. अच्छा, वैसे देखा है तो किटी पार्टी के लिए सुरीली ने नहीं बुलाया था, मेहमान खुद उसके घर पर चलाया था. हाँ, ज़बरदस्ती. सुरीली, वेल नो, सुरीली ने ज़बरदस्ती नहीं, इन्होंने ही बुलाया था. सुरीली ने फ़ोन कर करके सबको बुलाया था. सुरीली सबको फ़ोन कर करके बुलाती है अपनी किटी पार्टी के लिए कि आओ आओ, और फिर बाद में वो लोग बोलते हैं नाश्ते में क्या है, तो वो बोलती है कि अरे तुम सब इतनी मोटी हो गई हो, 5 साल बाद तुम्हें देख रही हो, नाश्ता वाश्ता छोड़ो जाने दो. तो वो लोग बोलते ये तो हमारी इंसल्ट करी, तो फ़ोन कर करके बुलाती हो और फिर नाश्ता भी नहीं देती. लेकिन आखिरी में वॉइस इज गॉन, वन लास्ट क्वेश्चन. आखिरी में मेहमानों को भी मूडी काफ़ी पसंद आई और सेल्फी वगैरह चल रही. मूडी एक तरीके की अट्रैक्शन है, खाली गेस्ट के लिए ही नहीं, हमारे शो के लिए, हमारे ऑडियंसिस के लिए भी. और ये एक तरीका है बताने का कि मतलब यू नो वी मस्ट रिस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ, बिकॉज हम आगे जाकर एक सीन ऐसा करते हैं जहाँ पर मूडी के पेट में प्लास्टिक मिलता है, और जो बहुत ही सैड चीज़ है कि हम जिसका दूध हम पीते हैं उसको हम अच्छी चीज़ अगर नहीं खिला पाते और सड़क पे इतनी गंदगी फैलाते हैं, ड्यू टू विच वो प्लास्टिक खा लेती है. सो हेंस इट्स अ मैसेज दैट हम भेजना चाह रहे हैं कि प्लीज़ अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखें और जानवरों को इक्वल रिस्पेक्ट.